विश्व महिला दिवस के अवसर पर कोरिया जिले के चिरमिरी विवेकानंद भवन में जहां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होने के साथ सैकड़ों महिलाओं की स्कूटी रैली निकाली गई। आपको बता दें कि विश्व महिला दिवस के अवसर पर विधायक विनय जायसवाल, महापौर कंचन जायसवाल और जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विवेकानंद भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की स्कूटी रैली के साथ साथ डॉक्टरों की टीम, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तहलका इंडिया न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ कोरिया से स्ट्रेट हेड कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि कल 8 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व में, हमने आज चूंकि रविवार था और महिलाएं थोड़ा सा फ्री रहती हैं, इसलिए चिरमिरी में इसका प्रथम बार आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम महिलाओं को भी उनका सही हक दिलाएं, उनको आत्मनिर्भर और सशक्त करने के लिए यह आज कार्यक्रम किया गया था, और साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए भी यह स्कूटी रैली निकाली गई थी। आज जो समाज में जो परेशानी है महिलाओं को, अधिकतर नशा जो करते हैं पुरुष, उनके द्वारा जो प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम एक संदेश देना चाहते थे। साथ ही हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आज यह कार्यक्रम किए। इसमें हमें माननीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी, महापौर कंचन जायसवाल जी के साथ चिरमिरी की समस्त महिला मंडल का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से आज का यह कार्यक्रम हो पाया। शाम को इस कड़ी में एक और कार्यक्रम है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और नारी सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। यह आयोजन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यह आयोजन समस्त चिरमिरी की महिलाओं के द्वारा, महिला मंडल जैसे लाइनर्स क्लब है, प्रेरणा क्लब है, इस प्रकार के विभिन्न क्लबों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। मैं भी इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ, साथ ही साथ विधायक जी और महापौर जी का इसमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। सभी के प्रयास से सामूहिक रूप से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह स्कूटी रैली का कार्यक्रम किया गया था, और भी दिन भर विभिन्न कार्यक्रम है। स्त्रियों के मान सम्मान के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है, जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस दिन सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हमने ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है सभी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए। और किस प्रकार से आगे भी कुछ कार्यक्रम है जैसे जानकारी मिली है? हाँ, आगे भी अभी 3 बजे से पुनः कार्यक्रम स्टार्ट होगा। अभी सुबह स्कूटी रैली का कार्यक्रम था, इसमें नारियों का सम्मान किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भाषण है, वाद विवाद है, विभिन्न टाइप के कार्यक्रम है जो शाम को 3 बजे से चालू होके फिर चलते रहेंगे रात तक। ये रैली में टोटल कितनी महिलाएं रही होंगी? रैली में लगभग 100-150 महिलाएं थी। पहले सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जैसा हमारे क्षेत्रीय माननीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी, इनके शुरू से ही एक परिकल्पना रही है, एक सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं चिरमिरी मिलना चाहिए। और हम लोगों ने डेवल से जैसे कई करोड़ों का बिल्डिंग भी लगभग अब थोड़े दिन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, और ये एक तरीके से उसकी तैयारी है। हम लोग ये दूसरा तैयारी है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो अपोलो के, प्लास्टिक सर्जन हैं, हमारे विभिन्न क्षेत्र के और विशेषज्ञ हैं, सभी लोग किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी सुविधाएँ देंगे, ये एक हम लोग एक तरीके से हमारी एक तरीके से शुरुआती दौर के हमारी जो तैयारी समझा जाना चाहिए। और ये सब महिला दिवस के ऊपर समर्पित है, सारे महिलाओं के विश्व में एक तरीके से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और मैं इसके लिए बहुत बहुत इसके लिए अपने शुभकामनाएं देना चाहूँगा माननीय क्षेत्रीय विधायक विजय जायसवाल जी का, कि उनका शुरू में गाइडेंस हमारे स्वास्थ्य विभाग पर रहा, और उन्हीं के गाइडेंस में, माननीय कलेक्टर महोदय के गाइडेंस में, हम लोग ये सब सुपर स्पेशलिटी कैंप से मेरे क्षेत्र में कर आज का आयोजन किसके तरफ से है सर? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है सुपर स्पेशलिटी कैंप का, और बाकी जो उसकी तैयारी है, और हर देखिए कोई चीज़ इंटीग्रेटेड होता है, कोई आइसोलेटेड नहीं होता ना, तो हमारे जो मैन पावर सप्लीमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, ये हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से होता है, छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार ही होता है, और सहयोग सभी जनताओं का, सभी हर क्षेत्र के सेक्टर के सहयोग ली जाती है। टोटल डॉक्टर कितने उपस्थित हैं? देखिए, 7 डॉक्टर उपस्थित हैं। कितने कितने मरीज किसके सूट में? देखिए, अभी तो मरीज के बारे में शाम को बता पाऊँगा कितने कितने क्या क्या मरीज है। मैं ये चाहूँगा आपके तरह से मीडिया में घर घर पहुँच जाए मैसेज कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको उपयोग किया जाए, यहाँ तक कि जो दूर के क्षेत्र से मैनगढ़ बैकुपुर उसके भी जो मरीज हैं उनको आँखें की सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि यही डॉक्टरों को दिखाने के लिए लोग जाके घंटों बिलासपुर में बाकी जगह पड़े रहेंगे, तो इतने दूर से आने का और इतने दूर से हम लोग लाने का, इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोग लें, ये सबसे बड़ी इस कैंप की सफलता मानी। विश्व महिला दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर आज यहाँ नशे के मुक्ति के लिए, नशे के अवेयरनेस के लिए आज यहाँ महिलाओं के द्वारा एक स्कूटी रैली पूरे चिरमिरी में अभी भ्रमण के लिए निकल गया है,
जिससे लोगों में जागरूकता है। एक पूरा एक बड़ा कार्यक्रम आज दिन भर का रखा गया है। इसके बाद एक बड़ा बृहद जो सुपर स्पेशलिटी कैंप है जिला शासन के सहयोग, जिला प्रशासन के सहयोग से, और जो हमारे जो प्राइवेट जो बड़े सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर हैं बिलासपुर के, डॉक्टर शमल हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं, इनके माध्यम से एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी कैंप जिसकी परिकल्पना हम हमेशा चिमरी में कर रहे हैं। डे वन से ये बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधाएँ जो है आने वाले समय में हम देंगे, उसकी शुरुआत इस तरह से कैंप से कर रहे हैं। अभी जो अस्पताल का जो टेंडर हो गया है उसका भी टेंडर खुल गया है। आने वाले समय में 3 मॉडल रोटी के साथ में जो अस्पताल बनने वाला है उसमें फिर जो भी हम कैंप करा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी कैंप, फिर रेगुलर बेसिस पे यहाँ लोगों को विशेषज्ञ सुविधाओं की उपलब्धता होगी। इसके अलावा आज भी नारी सम्मान समारोह के रूप में आज इस कार्यक्रम को रखे हैं। शाम को जो जब इसका समापन होगा तो विभिन्न क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने अपना क्षेत्र का, अपने घर का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है उनके भी सम्मान का कार्यक्रम है। निश्चित रूप से ये जो पूरा आयोजन है हमारे साथियों के द्वारा किया गया है, इसके लिए मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।